ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एवं उत्तराखंड राज्य प्रभारी आलोक तनेजा ने जिला एवं नगर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पश्चिम परिक्रमा के सह संपादक प्रवीण तनेजा सहित नवचेतन सत्यभाषा के जिला प्रभारी सुधीर गुप्ता को जिला सचिव मनोनीत किया। इसी के साथ ही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के महानगर इकाई में पंजाब केसरी दिल्ली संस्करण के ब्यूरो मनोज मिड्डा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पत्रकार मोहम्मद नौशाद मोहम्मद सुल्तान कमर को उपाध्यक्ष, जितेंद्र मेहरा, जुहेब खान, साहिद अली, साजिद अली, गुलशन सागर, अब्दुल गफ्फार मलिक, दीपक सैनी, मोहम्मद अली मिर्जा को महानगर इकाई में सचिव मनोनीत किया गया। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष व उत्तराखंड राज्य प्रभारी आलोक तनेजा ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े पत्रकार समाज का आईना बने, पीत पत्रकारिता से बचे और पत्रकार उत्पीड़न को रोकने के लिए एकजुट रहे। कार्यक्रम को जिला महामंत्री नवाजिश खान, जिला सचिव वेद प्रकाश पांडे, जिला प्रचार मंत्री प्रदीप चौहान, पत्रकार मनोज मिड्डा ने भी संबोधित किया। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की आज जिला और महानगर कार्यकारिणी में विस्तार किया गया है और इस विस्तार में कुछ साथियों को अलग अलग पदों पे नियुक्त किया गया है और इस आज के इस मनोनयन कार्यक्रम में हमारे साथ जिले के महासचिव प्रशासनिक नवाजिश खान साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष जी मनोज कश्यप जी रहे हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रवीण तनेजा जी को जिला कार्यकारिणी में जिला सचिव के पद पर, दीपक गुप्ता जी को जिला कार्यकारिणी में जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। साथ में यहाँ पर मनोज मिड्डा जी जो पंजाब केसरी के जिला ब्यूरो हैं यहाँ पर दिल्ली संस्करण के, उनको ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की महानगर इकाई में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है। और इसी के साथ हमारे सुल्तान कंवर जी जो एक जाने माने पत्रकार हैं उनको जिला सचिव बनाया गया है, जुहेब खान साहब को जिला सचिव बनाया गया है और इसी के साथ जो है सुनील शर्मा जी हैं उनको भी नगर कार्यकारिणी में सचिव बनाया गया है और इसी के साथ और साथी हैं, दीपक हैं, दीपक सैनी इनको भी पदाधिकारी बनाया गया है और जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र मेहरा जी इनको बनाया गया है कार्यकारिणी में, महानगर कार्यकारिणी में सचिव जुहेब खान साहब हैं इनको बनाया गया है। मकसद इन सबका ये है कि सहारनपुर नगर महानगर में जो पत्रकार हैं वो एकजुट होकर रहें और पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ लामबंद रहें और कोई भी पत्रकार उत्पीड़न की घटना हो उसके लिए इकट्ठा रहकर जो पत्रकार हित के मामले हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो हमारी एक पहचान बनी हुई है उसको मजबूती प्रदान करें और पीत पत्रकारिता से बचें। येलो जर्नलिज्म जिसको मैं लगातार कहता हूँ, येलो जर्नलिज्म से बचें, पीत पत्रकारिता से बचें और समाज का आईना बने, लेखनी का अच्छा प्रयोग करें ताकि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जो नाम पूरे प्रदेश में है, 75 के 75 जिले में जिस तरीके से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन काम कर रही है उसका नाम रोशन करें। इसी के साथ ही हमने ये नियुक्तियाँ की हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।